नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम GK के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्यों ना लो, चाहे SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, सारे में आपको इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टाइप के 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं एक के बाद एक क्वेश्चन आपको बताते जाऊंगी, लेकिन अब जैसे ही मैं एक क्वेश्चन पढ़ूँगा, वीडियो को पॉज करो, उसे सॉल्व करने की ट्राई करो। आपके जो भी आंसर्स आ रहे हैं आप उसे नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? कौन सी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को। क्यों कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित है और इसके सुंदर स्थल भी हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर स्थल हैं और ये सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बसी हुई है, इस कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ये है कहाँ सतपुड़ा की रानी जो है वो है कहाँ? तो ये आपके मध्य प्रदेश में, आपको याद रखने, ये आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अगर जिला के नाम पूछे तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी एक पर्वतीय स्थल है जिसे हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो अब आप इसे देखो कि आपके ये आंसर्स आए थे या नहीं। इसी तरीके के मैं आपको 10 क्वेश्चन बता रही हूँ और सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को मैं कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन भी देते जा रही हूँ, इससे आपके क्लियर हो जाएंगे सारे। इससे रिलेटेड भी आपके कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए। अब ये तो नहीं पता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं, तो क्यों ना हम इससे रिलेटेड कुछ और बातों को जान लें कि अगर उससे थोड़ा सा भी आगे पूछे तो हम इसे बता सकें। इसी तरीके के हमने 6-7 वीडियोज़ और अपलोड करके रखा है, यानी कि लगभग हमने आपको 150 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन करके तैयार किया है। उस 10 क्वेश्चन में आपके हर वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन होते ही होते हैं 10 क्वेश्चन के बदले। तो आप हमारे सारे वीडियोस को देख लो, आप प्रीवियस वीडियो भी देख लो, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाली है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? आप इसे सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करो, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हर क्वेश्चंस के बाद आप एक बार वीडियो पॉज करो और सारे को सॉल्व करके देखो आपके क्या आंसर सारे, उसके बाद आप हमारे क्वेश्चंस मिलाओ। उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाली है कि एक तो आपको ये पता चलेगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बने तो कम से कम आपको इतना तो पता चलेगा, अगर आप डायरेक्टली हमारे वीडियोज़ देखते जा रहे हो तो आपको ये तो लगेगा कि अरे ये तो हम समझ ही गए, बट वैसे में भूलने की चांसेस ज़्यादा होती है। बट अगर आप इसे एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपका ये हमेशा माइंड में रहेगा कि अरे यार हमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी तो इसका ये आंसर था। तो आइए देखते हैं, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है? तो 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। इसके मुख्यालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में, जो कि कहाँ है? तो नीदरलैंड्स में। अब इसके बारे में और चीज़ जान लें अगर, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। आपको हमेशा याद रखना है ये कैसे इसका निर्वाचन होता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपको ध्यान में रखने 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो हेग में है, नीदरलैंड्स के हेग जगह में। तो यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे। एक तो सिंपली जो हमने आपको क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेग, जो कि आपका कहाँ है? तो नीदरलैंड्स में। इसके जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए। और इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक की बात करें तो वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये जो थे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत थे, जो पंचशील के सिद्धांत थे वे कैसे थे? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत थे, जिन्हें वर्ष आपको कौन से ईयर में? तो 1954 ईयर में इसे औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया, जब भारत और चीन की संधि हुई थी तभी आपको पंचशील के सिद्धांतों को, भारत और चीन की जब संधि हुई थी हमारी तभी इसके पंचशील के सिद्धांतों को मिली थी आपको। चीन आपका फिर से गलत हमारा हो गया,
मैं आपको बोल रखी हूँ कि जब भी हमारे भारत और चीन की जो संधि हुई थी 1954 ईस्वी में, आपको याद रखने, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि भारत चीन की संधि कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में, उसी समय हमारे इसको औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। इसके पांच सिद्धांत हैं। पांच सिद्धांत कौन कौन तो है, तो पहला है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान करना। दूसरा है कि अनाक्रमण यानी कि आक्रमण नहीं करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, भारत कुछ भी कर सकता है, चीन कुछ भी कर सकता है, उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना, इतने सारे इसके सिद्धांत थे, पंचशील। इसी कारण इसका नाम भी क्या पड़ा, तो पंचशील के सिद्धांत। और ये कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया, जब भारत और चीन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में अगर बात की जाए तो बदायूनी ने किया था। कब किया था, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, ये आपका किया था 1589 ईस्वी में। बदायूनी का पूरा नाम क्या था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी कौन थे, तो ये अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक थे। और ये रहने वाला कहाँ था, तो ये आपका बदायूं का रहने वाला था, इस कारण इसका नाम भी बदायूनी है। अब अगर बात करें तो ये कौन था, तो ये आपका एक बहुत ही कट्टर मुसलमान था, और उसने मुनखब उल तवारिख नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, और रामायण का भी फारसी अनुवाद उन्होंने किया था बदायूनी ने 1589 ईस्वी में। अकबर के ये आपके कौन थे, तो एक इतिहासकार थे, अकबर के दरबारी इतिहासकार में से एक थे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक है अबुल फजल। अब ये तो अबुल फजल है, तो अबुल फजल है कौन, तो अबुल फजल भी आपका अकबर के दरबारी इतिहासकार में से ही एक था। ये अकबर की प्रेरणा से एक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, आपको इस ग्रंथ का नाम हमेशा याद रखना है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अकबरनामा, अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखा था अकबर की प्रेरणा से। यह ग्रंथ तीन खंडों में विभक्त था, आपको याद रखने, अकबरनामा जो थे वो आपके तीन खंड में विभक्त थे, उसी में से तीसरा खंड था आपका अबुल फजल। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अबुल फजल कहाँ से लिया गया, सॉरी आईने अकबरी अकबरनामा से ही लिया गया था आपका आईने अकबरी। अब आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आईने अकबरी लिया कहाँ से गया, किस चीज़ का खंड है, तो अकबरनामा का खंड है। ये सारी चीज़ आपके यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन आपके बनेंगे हिमानी क्षेत्र में, बनते हैं हिमानी क्षेत्र में, तो बनते हैं। आइए उसके बारे में और भी कुछ जान देते हैं, मोरेन है क्या। तो आपको पता होगा कि हिमनद जो है वो अपने साथ बारीक कण वाले पदार्थ को लेकर बड़े बड़े शिलालेखों का परिवहन कर लेता है, और इन्हीं पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता है, बहुत सारे पदार्थ ऐसे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, उसे हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता है, तो उसका निक्षेप हो जाता है, और हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को ही हम मोरेन, और इसका दूसरा नाम है हमारा हिमोड़। दोनों एक ही चीज़ होता है, मोरेन और हिमोड़ एक ही चीज़ होता है। तो ये आपका बनता कैसे है, तो हिमनद जब बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन कर लेता है, तो और इन पदार्थों को नहीं बहाकर ले जा पाता है, तो उसका निक्षेप हो जाता है, और इसी निक्षेप को ही मोरेन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है हमारा ग्लेशियर। अब अगर बात करें मीठे पानी की कुल मात्रा कहाँ कहाँ कितनी है, तो मीठे पानी की कुल मात्रा का 68.5% जो है ध्रुवीय बर्फ एवं हिमनद के रूप में है, जबकि 30.1% जो है भूमिगत जल के रूप में है, और 0.3% सतही जल के रूप में है, तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। इस कारण अगर सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील की बात करें, तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन हो जाता है, ग्लेशियर, बिकॉज बर्फ एवं हिमनद के रूप में सबसे ज़्यादा 68.5% आपका मीठे पानी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? आपका क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन किस नदी में है, तो ग्रैंड कैनियन जो है कोलोरेडो नदी में, आपको याद रखना है कोलोरेडो नदी में। अब ग्रैंड कैनियन है कहाँ, तो ग्रैंड कैनियन जो आपका संयुक्त कोलोरेडो नदी में तो है, बट कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में, आपको याद रखने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में है। अब इसके बारे में और चीज़ जान ले अगर, तो ये ग्रैंड कैनियन कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी गहरी है, तो ग्रैंड कैनियन जो है आपके 480 किलोमीटर लंबी है।
आपको याद रखने हैं 480 किलोमीटर लंबी है। अब अगर चौड़ाई की बात करें तो 1828 मीटर गहरी है और 6 से 16 किलोमीटर हमारी चौड़ी है ये ग्रैंड कैनियन। ये जैसा कि हमने आपको बोला कोलोराडो नदी अमेरिका के है, तो ये पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया, ये प्रवाहित कहाँ से कहाँ तक होती है? कोलोराडो नदी की अगर बात करें तो कोलोराडो नदी जो है आपका अमेरिका के पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है और मैक्सिको से होते हुए प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है। तो आपके कोलोराडो नदी के बारे में ये पूछे तो आपको याद रखना है कि ये आपके पश्चिमी अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है और मैक्सिको से होते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यदि किसी प्रतिरोधक तार को हम लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है ये भी मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि जब प्रतिरोध होता है यानी कि R, हम एक फॉर्मूला जानते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब जहाँ पे रो क्या होता है तो रो को हम प्रतिरोधकता मानते हैं, एल लंबाई हो गया, ए क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको सीधे से पता चल गया कि अगर प्रतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ेगा। जैसे ही हम प्रतिरोधक तार को लंबा कर रहे हैं, ये आपकी लंबाई है तो इसका प्रतिरोध सिंपल सी बात है ये भी बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये आपका 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय के बारे में भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मुख्यालय आपको है जेनेवा में। आपको याद रखने कहाँ है? तो जेनेवा में। अब इसके बारे में अगर बात करें कि इस मुख्यालय का उद्देश्य क्या है, तो इस मुख्यालय का उद्देश्य है जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में वृहस्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन एवं बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। और विश्व व्यापार संगठन तो हमारा 1995 में आया, इसके पहले इसे हम गैट के नाम से जानते थे। आपको याद रखना है कि WTO तो ये हमारा है ही, इसके पहले हम इसे किस नाम से जानते थे? तो गैट के नाम से। बट 1995 में इसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाने लगा, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।